जी का निधन हो गया भई वधु व्याकुल विलला में बिन गुरु जन्म भवन भा में वधु हैं पुत्री हैं पौत्र हैं सब के सब रुदन कर रहे हैं प्रासन स्वास गिनत ही भामा बजत कौन ले ले मम नामा सुत मम नाथ नाथ सुकीना रुदन करत घर फिरत सुदीना। बेटा कहता है मुझे अनाथ कर दिया, सभी जो है इस प्रकार से रुदन कर रहे हैं। ये प्रकरण कौन सा चल रहा है? जीव की दशा। पहले तो सोच रहे थे कि जो धनबाल है मरते मरते भी उसको मांग रहे हैं कि ये मरने वाला है बुड्ढा,
बचेगा नहीं। उनको यम दूत त्रास दे रहे हैं, गले में फांसी डाल रखी है, बोलने की सामर्थ्य नहीं है। और परिवार वाले सोच रहे हैं कि पूछ लें धनमाल कहाँ गढ़ा है। अब मृत्यु हो गई तो अब रो रहे हैं। संसार का ऐसा ही स्वरूप है। यारिंदे जी महाराज कहते हैं बिहारी दास या तीन अब उछल कुशल आशीष दे राड़ पराकी प्रीत। बिहारी दास या तीन समीत ऐसे धर्म जी महाराज बोले कि संसार का क्या विश्वास करेंगे। और जो अधम प्राणी है जिसने भजन साधना न करी तो उसकी तो बात ही अलग है, परमार्थ हुआ भी नहीं जिसने। सबके सब मरने वाला भी स्वार्थी है और जीने वाले भी स्वार्थी हैं। लेकिन लोग दिखावा के लिए रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं और क्या कह रहे हैं, प्राचीन पर कर दया परम गुणन की खान। बड़े दयावान है हमारे पिताजी, परम गुणन की खान है। परम पतित नित बदत हिम सदगति गति तित्व जान। परम पतित हैं जो बोल रहे हैं ये भी, और वो भी पतित है, लेकिन अब ये समझ रहे हैं सदगति गति तित्व जान, पिता की सदगति मान रहे हैं। मृत्यु हो गई तो ऐसे समझते हैं लोग मरने के बाद कि ये तो हमारे भगवान हो गए, क्या पहले सेवा भी नहीं करी। कईयों का देखा है मतम, न जीते जी कभी भजन किया, न दान किया, न पुण्य किया, और न ही बच्चों ने उनकी सेवा करी, लेकिन मरने के बाद कुछ और मानने लगे। मरने के बाद भी वही रहता है जीव जो जीवित अवस्था में था, ये नहीं कभी भूलें। जीवित अवस्था में जो स्वरूप था वही मृत्यु के बाद रहता है। अगर जीवित अवस्था में पूजनीय है परम पूजनीय, तो पधारने के बाद अति पूजनीय हो जाएगा, और जीवित अवस्था में अगर अति पापी है तो पधारने के बाद और ज्यादा पापी माना जाएगा। यथार्थ स्वरूप तो यह है, लेकिन अपने संबंध के कारण कैसा मानते हैं, ये संसार की एक ममता है, एक प्रकार की नाना प्रकार की उनकी इच्छाएं वासना है। बोलो बिहारी जो जीव का कल्याण अथवा पुरखों का कल्याण भी तभी यथार्थ संभव है जब पुत्र भजन करे। अगर किसी को अपने बड़े बूढ़ों का मान लीजिए उन्होंने भजन नहीं किया है और नरकवासी हो गए, उनका कल्याण कैसे हो, तुम्हारी उनमें ममता है, उनका कल्याण करना चाहते हैं, एक ही उपाय है बस, दूसरा उपाय नहीं है। हरि का भजन करें, हरि के चरणों में अनुराग करें, इससे सब सुखी हो जाए। जो नरकों में पड़े हैं जन्म जन्मांतर से, वो भी नरकों से निकल के और ठाकुर के धाम को सुख की तरफ जाने लगे। भजन ही एक ऐसा उपाय है, हरि का भजन, हरि की भक्ति, निष्काम भक्ति सबका उपाय है। रोग अनेक औषधि एक, रोग बहुत हैं, औषधि एक ही है। हरि गुणगान प्रेम से बिहारी बिहारी की कथा श्रवण करे, आचार्यों की कथा श्रवण करे, भक्ति करे, भजन करे, ध्यान करे, चिंतन करे, दीन भाव से, निष्काम भाव से, अनन्य भाव से, यही इस जन्म का लक्ष्य है।
बोलो स्वामी जू। वो जीते जी स्वयं तो सुखी है, लेकिन उसके पुरखा पंगत आस पास के जो भी उससे लगाव रखते हैं सबके सब सुखी हो जाएंगे। स्वामी जी महाराज तुम वैकुंठ अकुंठित धामा, हम अति पतित तजे बिन कामा। कैसे करके रो रहे हैं सब लोग। हे पिताजी तुम तो वैकुंठवासी हो गए, ये नहीं पता ये नरकवासी गए, लेकिन बालक बच्चे कह रहे हैं हे पिताजी तुम तो वैकुंठवासी हो गए, यहाँ दुख का नाम ही नहीं है और हम पतितों को आप यहाँ छोड़ गए। कल्प समान जाए एक जामा, लगत न असन बसन अविरामा। अब हमारा एक एक याम कल्प के समान बीत रहे है और तुम्हारे बिना हमें भोजन वस्त्र कछु अच्छा ही ना लग रहे हो। नित दिन सुमिर सुता बिल्लाती, मम लग सुबन लड़ाओ नाती। बेटी अलग रो रही है सब के सब, हरि समल के बस सुर सब तुम को, अब सब सीख देव किन हमको। हम तो तुमको भगवान के बराबर मानते थे, अब हमको कौन शिक्षा दे दो। घर घर पे सब तिये जुड़े आई, कथा जता मत कह समझ आई। आस पास से सुनो के वहाँ जो है मृत्यु हो गई है, आस पास की जो स्त्री आई वो भी जुड़े आई और बड़ी प्रकार से समझावे लगी, कथा कहवे लगी। अति आचर्य देह को धर्मा, शुभ और अशुभ भुगत सब कर्मा। ये तो देह को धर्म है भाई, छूट रो मत, तो शरीर मिलो तो छूटे कोई भाई। अपने अपने कर्मन के अनुसार प्राणी जो है दुख सुख पावे है। इन ऋषि पुण्य शरीर सुपायो, पुत्र पुत्र को पुत्र खिलायो। आसपास की जो स्त्रियां हैं वो समझा रही हैं तुम्हारे पिताजी के बराबर ऋषि मुनि कौन है सके, इन्होंने पुत्र पुत्र को पुत्र खिलायो यानी नाती पंती खिलाए इनने। क्या को मतलब क्या है, संसार में अगर नाती पंती है जाए तो यूं माने कि ये तो वैकुंठ को गए। ऐसी उल्टी रीत संसार की है, इससे कुछ नहीं हो रहा है। या नाती है जाओ, चाहे पंती है जाओ, चाहे छंदी है जाओ, अगर भजन नहीं करेंगे तो नरक में जाना ही पड़ेगा, ये कोई सहायता नहीं करेंगे। सुता विवाही मात बहुत दीनों, पच परिपिक प्रसाद नहीं चीनो। देखो बेटी बेटान के ब्याह में भात देवे में कैसी रुचि, इनके देवे में बड़ी रुचि रही भात पहरावे में, सोचक देवे में। और साधु ब्राह्मण को तो ये पूछे ही ना आए, और बेटी से हाथ पहराए उनमें बड़ो इनको मन रहे हो। जब संत ब्राह्मणों को ही नहीं पूछेंगे तो तुमको ही कौन पूछेगा। बोलो बिहारी जी शुद्ध रही सतयुग लिए कलयुग लगी न भाई, अरभक उर्ली ने फिर निस दिन जान कमाए। और क्या कह रहे हैं ये परिवार वाले, शुद्ध रहे सत्य बोलिए पड़ोस वाले, हमेशा बेचारे शुद्ध रहे। सत्युग ही पुरुष है ये, तो कलयुग की हवा तो लगी ना है। अरभक उर्ली ने फिरे, और सदा बालक बच्चे ने अपनी गोद में ही रखे,
उनने खिलाते रहे। निस दिन जान कमाए और कमावे की भीख रहे। और तो इनने कोई फालतू बात सुहावे ही नहीं, कमावे की भीख से बालक बच्चे न राखवो। इनने तो कलयुग की हवा लगी ना। बोलो यारी जीव महाराज, ऐसी दशा संसार की है, उसके लिए क्या करे ऋषि मुनि है। ये तो बैकुंठ गए और उनके संग कहा बीत रही है, ये आगे वर्णन कर रहे हैं। अस समुझाए क्रिया सब कीनी, द्वादश दिवस सही आधीनी। ऐसे समझाए के पड़ोसियों ने फिर क्रिया करी और 12 दिन 13 दिन जैसा किया करते हैं, द्वादश दिवस सही आधीनी। और 12 दिन तक तो एक आधीनी जबरदस्ती स्वीकार करनी पड़े, बैठनों भी पड़े, जो भी कुछ करना पड़े। अब उधर क्या हो रहा है उसके साथ, वो बखान कर रहे हैं। यहाँ तो ये क्रिया है रही है, वो मर के जो जीवात्मा चली गई उसके साथ क्या हो रहा है। वो तो जम दूत त्रास बहु करही, महाप्रचंड दंड अनुसरही। उधर यम के दूत बहुत ताड़ना दे रहे हैं, त्रास दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, महाप्रचंड दंड अनुसर। बेतरनी सरता बिछावे, राध रुधिर मल मूत्र बहावे। बेतरनी सरता नदी है, उसमें राध रुधिर मल मूत्र, उसमें सब कुछ गंदगी भरी हुई है उसमें, और बहुत बड़ी नदी है। उसका विस्तार सहस आयुक्त योजन तट चौरा, बहुत हजार योजन तो चौड़ा ही है बाकी और गहराई है। तो ऐसी बैतरणी नदी में उसको डाल दिया जाता है, उसमें विस्तार विस्तार मलमूत्र दुर्गंध सब कुछ भरा हुआ है उसमें। दुर्ग कोट सम जलचर घोरा, तो पापियों के साथ ऐसा कर सकते, श्वास लेने की भी गुंजाइश नहीं होती है। जो भजन नहीं करते हैं वो जीवन को वृथा गमा देते हैं, केवल बालक बच्चों के पालन नहीं, न बच्चों को भक्ति सिखाते हैं न स्वयं भक्ति करते हैं, केवल कमाना और खाना और सोना, इसी में जीवन को उनकी ये गति। दुर्ग कोट सम जलचर घोरा, और साधु संतों की निंदा करना, कष्ट देने की, अपने स्वार्थ के चक्कर में दूसरों को कष्ट देने की चेष्टा करना, दुख देना, तो ऐसा जिनका कष्ट रहा है जीवन में उनकी इस प्रकार की दुर्दशा होती है। तो दुर्ग कोट सम जलचर घोरा, हम किसी के मन को कष्ट देंगे, मन तन को नहीं दिया, उसके मन को दुख, किसी न किसी कृति के द्वारा उसके मन को दुखी कर रहे हैं कहीं न कहीं से, तो हमारा मन दुखी रहेगा, बिहारी जी के चरणों में नहीं लग पाएगा। और हम किसी के तन को कष्ट देंगे तो हमारा तन दुखी, रोगी होगा, तन दुखी रहेगा। कहने का तात्पर्य, अगर सुख चाहो तो दूसरों को सुख दीजिए, तन को और मन को प्रसन्न करिए, कैसे कर सकते हो। और दुख चाहो तो दूसरों को दुख दीजिए, वो तुम्हारे पास ही आना है, उसका कई गुना होके लौट के, कई गुना होके लौट कर तुम्हारे पास ही आना है। अब समझ लीजिए, चाहे छिपके दे लीजिए, चाहे प्रकट में दे लीजिए, ये छिपा नहीं सकते हो अपराध को भी और पुण्य को भी। अगर तुमने चुपचाप किसी को मालूम ही नहीं चला, किसी की सेवा कर रही, किसी के चरणों भाव बनाते हुए सहज, तो वो छिपा नहीं रहेगा, उसका बहुत गुना। ये छिपा के सेवा करते हैं वो तो और ज्यादा पुण्यता है। और किसी को कैसे भी बिना जाने किसी को मालूम भी नहीं चला, तुमने उसके
मन को या तन को कष्ट दिया है तो वो भी बहुत गुना हो के तुम्हारे सामने आएगा कष्ट, जैसे जीवन में आ जाए या मरने के बाद आ जाए, नरकों की यातना के रूप में आ जाए। बोलो हरि जो, इसलिए सावधान। सहस आयुत जोजन तट चोरा, दुर्ग कोट सम जलचर घोरा। और वैतरणी नदी में बहुत प्रकार के जलचर हैं जो इसको नूचते हैं, खाते हैं। जो गोदान करत जल डारे, सोता दुखते करत जो पारे। जो कई प्रकार के दान सेवा गौदान करते हैं तो वो वैतरणी नदी से पार हो जाते हैं। जो कहूं दान नाए बने आवे, करे अपनी करनी सब पावे। जो दान नहीं करता है वो अपनी करनी का दंड स्वयं फिर भोगता है, उसको वैतरणी नदी में डाला जाता है। जुग कर वान तास में डारे, टसत जीव जल निवल पुकारे। दोनों हाथ बांध के उस वैतरणी नदी में डाल दिया जाता है। दसत जीव जल निवल पुकारे, और वैतरण नदी के भयंकर जीव, बड़े बड़े सर्प हैं, बड़े बड़े उसमें जो है बहुत प्रकार के लंबी लंबी चोंच वाले जीव हैं, उसको वो डसते हैं, खाते हैं, परेशान कर। निवल पुकार है, अपने आप को निवल मान के हाय हाय पुकारता है, पर उसकी कोई रक्षा नहीं करता। और फिर वो सोचता है कि मैं इसमें से निकल के थोड़ा इधर उधर किनारे पे, जब कहूं ऊपर पैर फिर आवे। पैर के अगर ऊपर आना चाहता है वैतरणी नदी से, तो मुदगर परत करत तन घावे। तो यम के दूत मुदगर लेके खड़े होते हैं और उसके शरीर पर जोर से मारते हैं, अगर ऊपर हुआ आता है, फिर बिल्लाता हुआ रोता हुआ फिर भागता है। वहां जल के जीव उसको नूसते हैं, खाते हैं। इस तरीके से ये दुख पाता है। यहाँ इस मनुष्य जन्म का दुरुपयोग करने के कारण, बोलो बिहारी जो, एक एक मिनट सेकंड दिन रात ये मनुष्य जन्म की मिली है, जो एक मात्र भजन करने के लिए मिली है, कोई दूसरा कारण नहीं। अगर दूसरे किसी कार्यों में व्यस्तता में बिताते हैं, हरि संबंध न होके हम अपने साथ घात कर रहे हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, दूसरे का नहीं बिगाड़ रहे, हम अपना बिगाड़ रहे हैं। अतुलित तो हमें तो अपार दुख, अधिक नरक को मान। पढ़त ग्रंथ मर्दन किए, अतुलित तो हमें तो अपार दुख, अधिक नरक को मान। बढ़त ग्रंथ मंथन किए, खग पुराण सुन जान। महाराज बोले, ये तो हमने छोटे रूप में लिखा है, ग्रंथों का मंथन करें, नहीं तो बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाता। ये तो केवल इशारे मात्र में कि जीव की क्या दशा होती है, पूरा संकेत मात्र में लिखा है। जीव की बहुत बुरी दशा, नरकों की यातना है, 28 प्रकार के नरक हैं, कौन कौन से पाप करने के बाद कौन कौन से नरकों में जाते हैं, नाना प्रकार का व्याख्यान है ग्रंथों में। स्वास लेत त्रासन दुख बाड़ो, कीनो जाए धर्म दिन ठाड़ो। श्वास भी लेना दुर्लभ पड़ रहा है उसको, श्वास लेने में भी कष्ट हो रहा है। अभी इतनी ताड़ना देते करते ग्रंथों में लिखा है कि मृत्यु लोक ते यम पुरी जानो, सहस 86 योजन मानो।
यहाँ मृत्यु मंडल से, यहाँ पृथ्वी से, यहाँ हमारा तुम्हारा जन्म है, यहाँ से और यमपुरी यहाँ नरक है, नैतरणी नदी आदि है, वहां तक 86,000 योजन दूरी है, 86,000 योजन दूरी है, और वहां तक चार चौकी पड़ती है, चार चौकियों पे यम के दूत बहुत मार लगाते हैं इस जीव को, ये हाय हाय चिल्लाता है, ये पानी मांगता है, रोटी मांगता है, इसके मुंह में और कुछ डाल देते हैं, क्योंकि यम के दूत पापी को ले जाते हैं जिसने कोई धर्म कार्य नहीं किया, तो कुछ नहीं देते हैं, तैने कोई दान पुण्य किया था क्या, तैने किसी महात्मा को, संत को, किसी गरीब को, किसी गाय को, किसी की सेवा करी क्या, तो नाना प्रकार की ताड़ना देते हैं बुरी तरह, और चारों चौकियों पे वो हाय हाय चिल्लाता है, वो मुझे बक्सो में अब जो तुम कहोगे वैसा करूंगा, कि नहीं, संत महापुरुष पृथ्वी पे बैठे उनकी नहीं तैने सुनी, तो हम सुनाने वाले नहीं, हम तो केवल मारने वाले, पीटने वाले हैं तुझे, हम उपदेश नहीं देंगे, हम तो केवल, हमारा अधिकार तो तेरे को दंड देने का है। तो चार चौकी पड़ती है, चारों चौकियों पे वैतरणी नदी इस प्रकार करते कराते और यमपुरी पहुंच जाते हैं, जहां यमराज जी का शासन है। बोलो बिहारी जी महाराज, श्वास लेत त्रासन दुख बाड़ो, कीनो जाए धर्म ढिंग ठाड़ो, धर्मराज के पास जाके इसको खड़ा कर देते हैं जीव को। लख जन विहत बदत बरवाने, दुष्पर दुसह ब्रह्मवर जानी, उसको देख के यमराज जी हंसते हैं। वहां पूजा विलास में लिखा है, अरे दुष्ट, तेरे को मनुष्य जन्म दिया और फिर तू मनुष्य जन्म लेने के बाद भी और यहाँ यमपुरी में फिर दोबारा आ गया, तू बड़ा अधम है। तू मनुष्य जन्म लेने का मतलब है कि यमपुरी कभी आना ही नहीं, ठाकुर के धाम के लिए जाना, तू फिर मेरे पास आ गया। लख चौरासी धरत शरीरा, जल थल रमत रहत जुर भीरा, 84,00,000 योनि के बाद, अरे अधम, ये मनुष्य शरीर मुश्किल से मिला तेरे को, जल थल रमत रहत जुर भीरा, इससे पहले यानी 84,00,000 योनियों में जल में बहुत से जल के जीव होते हैं और फल के जीव होते हैं, बहुत प्रकार के चींटी मकूड़े हाथी घोड़े, और जल में देखो बैठ के कितने प्रकार के जीव होते हैं, ये सब 84,00,000, और उड़ने वाले पक्षी अलग, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज, पृथ्वी में से निकलते हैं बहुत जीव, बहुत तेरे पसीना में से बनते हैं, तो बहुत प्रकार के जीव हैं, बहुत तेरे अंडा में से बनते हैं, तो ये सब 84,00,000 होनी है। तो लख 84 धरत शरीरा, जल थल रमत रहत जुर भीरा, वहां तू रमण करता रहा 84,00,000 योनियों में, जल तेज थल के अधिक सुजानो, जल से ही थल के जो जीव हैं कुछ सुखी रहते हैं, कुछ तरोत्तर बता रहे हैं। धर्मराज जी कह रहे हैं, अरे पापी, जो उसको समझा रहे हैं, जल से जो जल में जितना दुख प्राप्त होता जीवों को, उससे कुछ राहत हल्के जीवों को मिलती है, चाहे टेंटा मकोड़े के रूप में क्यों ना, जल ते हल्के अधिक सुजानो, चर अचरण ते सुख जानो, और जो चर हैं अचरण ते, जैसे पेड़ पौधा है,
ये भी एक योनियां हैं पेड़ पौधों की, जो अचर है उनसे ये चर, ये अचर रूप में है पेड़ पौधा, वो चर है ये जीव कोटि में जो रहते हैं, तो ये कुछ सुखी हैं। पेड़ पौधा बेचारे वही की वही खड़े धूप ताप सब कुछ सहन करते हैं जहां तहां जहां। यद्यपि श्री धाम वृंदावन के पेड़ पौधा श्री वृंदावन की सब संपत्ति, यहाँ के चेंटा मकोड़े, यहाँ का तो प्रत्येक जीव धन्य है, लेकिन ये जो योनियों की बात करी जा रही है, यहाँ तो अगर चेंटी भी बना दी जाए श्री धाम वृंदावन में, धन धन वृंदावन की चेंटी, महाप्रसाद को गिन का लेके जाए बिल में, तो श्री धाम वृंदावन की तो कृपा को कहें क्या। लेकिन ये जो अधम योनियों की 84 लाख योनियों के बारे में सूक्ष्म में बता रहे हैं, इनमें अधिक हैं अनुमानो, इन सब योनियों में सबसे अच्छा यानी पशु पक्षियों की इन योनियों में, मनुष्य को छोड़ के इसमें भैन गाय का शरीर जो मिलता है इन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। बोलो बिहारी जो, इसलिए गाय की सेवा करने में बहुत है, बहुत कुछ है। इनमें अधिक धैन तनु मानो, मनुज स्वरूप पाए दुख भानो, और जितने भी दुख 84 लाख में मिलते हैं भैनु स्वरूप में, गाय के स्वरूप में भी सुखी सुखी मिलते हैं, ये पशु तो है ही, तो सब योनियों में जितने भी दुख मिलते हैं इतना दुखी होता है ये जीव, इन दुखों के निवारण का एक ही उपाय है, अंत में ठाकुर मनुष्य जन्म दे रहे हैं। 84 लाख योनि के बाद में अंतिम योनि में इसको मनुष्य शरीर देते हैं, गाय के बाद देते हैं। बोलो बिहारी जो, तो तेन में अधिक धैन तनु मानो, मनुज स्वरूप पाए दुख भानो, कई बार मनुष्य के बाद गाय बैल बनना पड़ता है, अपने अपने कृप और योनि के अनुसार होता है, और कई बार गाय और बैल के बाद मनुष्य बन जाता है। तो तिल में अधिक धैन तन मानो, मनुष्य स्वरूप पाए दुख भानो, सर्प की योनि कितनी बुरी है, पूरे जीवन रगड़ रगड़ के चलना पड़ता है, किसके किसके जमीन पे उसके पैर भी नहीं होते हैं, इसके ही चलना पड़ता है, और उसकी योनि उसकी आयु होती है 1000 वर्ष की, अगर कोई मारे नहीं किसी कारण से कोई वो नहीं हो तो 1000 वर्ष की आयु होती है, तो बहुत बुरी योनि। कैसी योनि मिलती है ना, जिसकी सर्प की, जो दूसरों से द्वेष करते, ईर्ष्या करते, अपने सुख के लिए ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराई विभूति, ऊंचा निवास माने हम बहुत ऊंचे हैं लेकिन करतूती नीचों की है, पराई विभूति को देखें, सामने वाले को बढ़ता देखें, मन में जलन ईर्ष्या होती है ऐसों को, और हरिभक्ति विहीन है, हरिभक्ति नहीं करते हैं ऐसों को सर्प योनि प्राप्त होती है। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी से, ठाकुर ने जो प्रेम से दिया है उनको सहज दिया, संतुष्ट रहे, और ये सोचे मेरे द्वारा सामने वाले को तन को मन को सुख कैसे मिले, ये मनुष्य जन्म का कर्तव्य। अष्टादश पुराणेश व्यास वचन द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। तिल में अधिक धैन तन मानो, मनुष्य स्वरूप पाए दुख भानो, तो मनुष्य शरीर मिलने के बाद ही इन सब दुखों से छुटकारा मिल पाता है, और मनुष्य शरीर पाके भी जो भजन परायण नहीं होता है,
गुरु शरणागति स्वीकार नहीं करता है, संतों के चरणों में नहीं बैठता है, सत्संग श्रवण नहीं करता है, धाम का आश्रय नहीं लेता है, रज में भाव नहीं रखता है, वो मनुष्य काय का, वो मनुष्य नहीं है, वो तो केवल मनुष्य आकृति में पशु ही है। बोलो हरि जो दया दीनता मन में धरिए, संते सागर पार करिए, दया छोटों पे दया और बड़ों के सामने दीन भाव, तब ये जीवन जीवन माना जाए। बोलो हरि जो ताते चतुर्वर्ण में होई है सतसूत्रता सम कोई, चार वर्ण है मनुष्यों के, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्म विभाग का है, गुण और कर्म के विभाग से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ताते बणिक तो शूद्र, और शूद्रों से विशेष होते हैं बणिक, और बणिक से विशेष होते हैं क्षत्रिय, और क्षत्रियों से भी विशेष होते हैं ब्राह्मण। महाराज की इन चारों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। ताते बनिक बन्यो तन कैसो क्षत्रिय सरसवन में ऐसो, क्षत्रिय तन सरो पर सोहे ताशमान बिन द्विज अशको है, हरिभुज ध्वज सेवा कर धरत दुष्ट पर दंड, न्याय नी धन देन मन समर सुनत तन चंड। गुरु हरिजू महाराज सब के सेव्य भूमि के देवा, सुर और असुर करत सब सेवा, जो भूमि के देव हैं यानी जो ब्राह्मण योनि है, ब्राह्मण कुल में जिनको जन्म मिला, मनुष्य शरीर चाहे शूद्र हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, पावन है या ब्राह्मण हो, पावन शरीर है मनुष्य शरीर, चारों वर्णों को हरि भक्ति करने का सौभाग्य है, लेकिन ब्राह्मण चारों वर्णों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बोलो बिहारी जो सब के सेव भूमि के देवा, सुर और असुर पर सब सेवा, तीनों वर्णों के सेव्य भूमि के देव यानी ब्राह्मण माने जाते हैं। वर्णाश्रम के मध्य विराजे, आश्रम तीन वर्ण के काजे, आदि आज प्रसंग आपने श्रवण किया और बाकी प्रसंग आप कल श्रवण करेंगे। गुरु बिहारी जी महाराज मूल यही है, इस जीवन में हरि समझे हरि ही भयो, ललित किशोरदेव जी महाराज कहते हैं हरि समझे हरि ही भयो, हरि भूले भयो देव, ता देही के सीन गुण विष्टा क्रमी थे। अगर हरि को समझ लेंगे, हरि का भजन करेंगे तो समझो हरि स्वरूप हो तुम, तुम्हारा काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और भजन नहीं करेंगे तो फिर मनुष्य जन्म भी मिलना दुर्लभ है, कीड़ा मकोड़ा हाथी घोड़ा ही बनना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, इसलिए सावधान हो जाइए। जी महाराज की जय। इसलिए हरि रस चिंतन निस्दिवस, डरोन तन मन चाल, बिगड़ी बिडरी सुधारी है ये रसिकन के प्रतिपाल। स्वामी जी महाराज की मन मेरे भजे ले श्री कुंज निहार, मेरे भजे ले मन मेरी भजे श्री कुंज विहार, सब दुख सागर रूप हो जागर, सब दुख सागर रूप हो जागर,
अंग तंग प्रीतम जारी कर मन मेर भर लगी बिहारी मन मेर भर लुंज बिहार बन घन नवनि पुंज में वृंदावन घन नवनि कुंज में वृंदावन घन नवनि कुंज में वृंदावन घन नवनि पुंज में खेल कर सुर चाची चरी खेल करत हुर चाही चाही मन मेर भजन भी मन मेर भजन बिहारी बिहारी दास लड़ावत बिहारी बिहारी बस लड़ावत जीवन पान हमारे हमारी जीवन पान मारे हमारी मन मेर भजे कुंड बिहारी मन मेर भजे कुंड जय जी महाराज की जय स्वामी जी महाराज की जय वृंदावन चंद्र की जय समस्ताचार्य वृंदन की जय